हेलो एवरीवन, माय नेम इज आनंद कुमार झा और आज हम बात करने वाले हैं कोडसेफ प्लेटफॉर्म की। कोडसेफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, क्योंकि वहां पे ढेर सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, चाहे वो कोडिंग से रिलेटेड हो या डेटा स्ट्रक्चर से या एल्गोरिदम से। और वहाँ पर ढेर सारे कॉन्टेस्ट भी वीकली और मंथली होते रहते हैं। मंथली में लॉन्ग चैलेंज होता है और फिर वीकली में भी होते रहते हैं। तो आज उसी प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ करना नहीं है, आपको सर्च बार में जाके कोडसेफ टाइप करना है। आप मेन पेज पे आ जाइएगा। देखिए, ये कोडसेफ का मेन पेज है। यहाँ पे ढेर सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कैसे आपको कोडसेफ पे स्टार्ट करना है, पहली बार प्रोग्रामिंग करना है उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कोडसेफ पे कैसे अपने पहला प्रॉब्लम सॉल्व करें उसके लिए। यहाँ पे ये आपको लिंक में वीडियो भी मिल जाएगा और ब्लॉग भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो code.org है, स्टैनफोर्ड कोर्सेस हैं, इंट्रोडक्शन एल्गोरिदम है और ढेर सारे हैं। यूडेसिटी भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप डिफरेंट काइंड के कोर्सेज फ्री में भी पा सकते हैं और नैनो डिग्री भी वहाँ पे अवेलेबल होता है। मैंने एंड्रॉयड भी वहाँ से किया था। और यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर अगर आपको सीखना है तो उसके लिए भी यहाँ पे रिसोर्सेज दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप सीख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के रेफरेंस अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला अपना कोड कैसे कंपाइल करेंगे, रन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस एंड लर्न में आके यहाँ पे आपको चूज करना है प्रैक्टिस प्रॉब्लम बाय डिफिकल्टी लेवल। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, जहाँ पे ये 6 पार्टों में बटा हुआ है, बिगनर, इजी, मीडियम, हार्ड, चैलेंज एंड पीर। तो आज हम बिगनर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम अपना होगा ATM, जिसको मैंने सबमिट कर दिया था पहले ही। चलिए आज इसी से शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, पूजा वुड लाइक टू विथड्रॉ $X फ्रॉम ATM मशीन। पूजा को जो है $X ATM मशीन से निकालना है। द कैश मशीन विल ओनली एक्सेप्ट ट्रांजेक्शन इफ X इज द मल्टीपल ऑफ 5। और ATM तभी उसका ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करेगी जब वो जितना अमाउंट निकालना चाहती है वो 5 का मल्टीपल हो। एंड पूजा अकाउंट बैलेंस हैज इनफ कैश टू परफॉर्म द विदड्रॉल ट्रांजेक्शन। और पूजा के अकाउंट में उतना अमाउंट होना चाहिए जिससे वो विदड्रॉल परफॉर्म कर सके। फॉर ईच ट्रांजेक्शन विदड्रॉल द बैंक चार्ज $0.50। जितनी बार वो ट्रांजेक्शन करेगी उतना टाइम उसको $0.50 जो है सो डिडक्ट कर लेगा बैंक उसके अकाउंट से। तो इसमें आपको करना है क्या कि कैलकुलेट द पूजा अकाउंट बैलेंस आफ्टर अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन, मतलब पूजा जो ट्रांजेक्शन कर ली है उसके बाद उसके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है वो आपको सिंपली कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको ये इनपुट का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैसे इनपुट लेना है। तो पॉजिटिव इंटीजर 0 इज लेस देन x इज लेस देन 2000, मतलब आपके पूजा जो अमाउंट निकालने वाली है उसका रेंज जो है सो 0 से 2000 के बीच में दिया हुआ है। और उसके अकाउंट में जो बैलेंस बचा हुआ है वो डबल डिजिट प्रिसीजन के साथ 0 से 2000 के बीच में होना चाहिए। और आउटपुट में आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आउटपुट ऑफ द बैलेंस आफ्टर ट्रांजेक्शंस गिवन ए नंबर विद द 2-डिजिट प्रिसीजन। जब आउटपुट में आपको ये बता रहा है कि जब ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो आउटपुट जो है सो आपको 2-डिजिट प्रिसीजन के साथ आना चाहिए, मतलब कि डबल वैल्यू आएगा। इफ देयर इज नॉट एनफ मनी इन द अकाउंट कंप्लीट द ट्रांजेक्शन आउटपुट टू द करंट बैंक बैलेंस। अगर आपके पास इनफ मनी नहीं है ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के लिए तो सिंपली आपको क्या करना है कि उसका उसके अकाउंट में जितना है वही रिटर्न करवा देना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 टेस्ट केस दिए हुए हैं। पहले में 30 बैलेंस विथड्रॉ करना चाहती है और उसके अकाउंट में $120 है, तो उसको विथड्रॉ करने के बाद $89.05 जो है सो बचते हैं। और ये देखिए इनकरेक्ट विथड्रॉल का टेस्ट दिया हुआ है, टेस्ट केस दिया हुआ है, जैसे कि 42 विथड्रॉ करना चाहती है लेकिन 42 जो है सो 5 का मल्टीपल नहीं है तो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा, तो सिंपली उसका अकाउंट में जो बैलेंस है उसको रिटर्न कर दिया। और तीसरा दिया हुआ है कि इनसफिशियंट फंड, मतलब वो $300 विथड्रॉ करना चाहती है लेकिन उसके अकाउंट में ओनली $120 है, तो सिंपली $120 को प्रिंट करवा देगा। इसमें आपको डिफरेंट लैंग्वेज के ऑप्शन भी हैं, CPPC, जावा, पाइथन, गो सारे हैं, तो आप इनमें से जो आपका फेवरेट हो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो और उसको प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा, तो नया पेज आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे 2 मोड है, एक ये नॉन IDE मोड है, एक यहाँ पे आप IDE मोड में भी जा सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने पे। तो यहाँ पे IDE मोड आ जाएगा लेकिन हम चलते हैं नॉन IDE मोड में। नॉन IDE मोड में अपना कोड करेंगे, तो सिंपली आपको चलिए अपना कोड शुरू करते हैं। यूजर से इनपुट लेना है तो पहले आपको यूटिल पैकेज को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कोड लेना है आपको वहां से, यूजर से लेना है।
तो चलिए इंपोर्ट कर दिया, अब अपना स्टार्ट करते हैं क्लास बनाना उसकी। क्लास CODECHE कोड सेफ, ओह मिस्टेक हो गया, CODECHEF कोड सेफ। मेन मेथड में आएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब स्कैनर को इंपोर्ट करेंगे। स्कैनर मेथड के थ्रू हम लेंगे अपना सिस्टम डॉट इन, फिर लेना है हमको अमाउंट जो कि वो विथड्रॉ करना चाहती है, तो इंटीजर वैल्यू लेंगे एससी डॉट नेक्स्ट इंट। वो इंडेंटेशन का थोड़ा देख लीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पे मैं नॉन आईडी मोड यूज कर रहा हूँ तो इंडेंटेशन थोड़ा इधर उधर हो जाता है। नेक्स्ट टेबल, अब देखिए अब हमको टेस्ट केस लगाना है कि मतलब पूजा जो अमाउंट विथड्रॉ करना चाहती है वो 5 का मल्टीपल है कि नहीं, तो उसके लिए हमको क्या करना है, सिंपली अमाउंट मॉडलो 5 एग्जैक्ट इक्वल्स टू 0 है कि नहीं। और दूसरा टेस्ट की कंडीशन ये भी था कि हमारा जो बैलेंस है वो उससे कम है कि नहीं है, क्या कहते हैं अमाउंट जो ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं वो उसके अकाउंट में जो बैलेंस है उससे कम है कि नहीं है। तो वो डबल में है तो पहले डबल को ले लेंगे, फिर हम यहाँ लिखेंगे AMT अमाउंट प्लस 0.50 US डॉलर, के बाद वो लेस हो रहा है कि नहीं BALANCE से, बैलेंस से। अगर लेस हो रहा है तब हम इसके अंदर आएंगे और सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, प्रिंट करवा देना है नेट बैलेंस। तो अगर ऐसा आ रहा है तो डबल नेट BALANCE, नेट बैलेंस मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से, बैलेंस माइनस BALANCE डबल, अच्छा ये ब्रैकेट छूट गया था, चलिए डबल AMT माइनस प्लस 0.50 डॉलर होना चाहिए इतना करने के बाद। सिंपली आप ये भी यूज कर सकते हैं अपना डबल ब्रैकेट, चलिए ये हो गया और इसको हमको प्रिंट करवा देना है। stmsystem.r.println println net BALANCE net balance, और else में भी आपको सिंपली यही प्रिंट करवाना है नेट बैलेंस else में आपको नेट बैलेंस नहीं, else में सिंपली आपको बैलेंस प्रिंट करवा देना है BALANCE बैलेंस जो उसके अकाउंट में बचा हुआ है। अब हम सिंपली इसको जाके रन करके देखते हैं क्या होता है। चलिए सबमिट पे क्लिक कर दिए हैं, यहाँ पे रन हो रहा है, रन होने के बाद पता चल जाएगा हमको कि ये सही है या गलत है। कंपाइलेशन एरर आ रहा है, हम देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। एरर आ रहा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हमको एरर आ रहा है, वो कहीं छूट गया है। तो चलिए उसको हम फिर से देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या छूट रहा है। अच्छा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हमको एक छूट रहा है यहाँ पे सिस्टम डॉट इन, यहाँ पे हम स्ट्रिंग args स्ट्रिंग को वो यूज करना भूल गए थे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट को। चलिए अब हम देखते हैं क्या आता है। देखते हैं क्या हो रहा है, रन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है रन होने में आपके सारे टेस्ट केसेस को, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट केस वहाँ पे होते हैं हिडन टेस्ट केस छिपे हुए। देखिए करेक्ट आंसर आ गया, ये अपना देखिए करेक्ट आंसर आ गया, एग्जीक्यूशन टाइम 0.9 सेकेंड है। अगर आपको ये तो मैंने नॉन आईडीई मोड में किया, अगर आपको देखना है कि आईडीई मोड में भी कैसा होता है कोड तो दिखा देते हैं। इसमें तो इंडेंटेशन उतना अच्छे से नहीं है लेकिन आईडीई मोड में हम इंडेंटेशन का यूज करके कोडिंग किए हुए हैं तो वो आपको दिखा देते हैं। देखिए ये सिंपली आपको इंडेंटेशन मोड में है ये क्या हुआ,
ये सारा कोड रहा, आप इसको देख सकते हैं आराम से, देख लीजिए ये सारा कोड है। तो इसी तरह कोडिंग करते रहिए, कोडसेप पे भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड हैप्पी कोडिंग, थैंक यू एवरीवन।